हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के इस वीडियो में। आज हम x अक्ष और y अक्ष के समांतर रेखाओं से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। चलिए लेते हैं पहला प्रश्न। दिए गए बिंदुओं से मिलने वाली रेखा किस अक्ष के समांतर है? इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे? क्या आप इन्हें आलेख पर दर्शाकर देखेंगे कि यह किस अक्ष के समांतर है? यह सही तरीका है, लेकिन हम केवल इन बिंदुओं के निर्देशांक देखकर भी बता सकते हैं कि वह किस अक्ष के समांतर है। चलिए देखते हैं कैसे। इन सभी बिंदुओं में x के निर्देशांक 4 स्थिर हैं और y के निर्देशांक बदल रहे हैं, यानी सभी बिंदु x, n के रूप में हैं, जहां x 4 है और n कोई भी वास्तविक संख्या है। इन बिंदुओं से बनने वाली रेखा y अक्ष के समांतर है। अगर आप इसका आलेख बनाकर देखेंगे तो वह कुछ इस प्रकार दिखेगा। चलिए ऐसा ही एक और प्रश्न लेते हैं। क्या इन बिंदुओं से मिलने वाली रेखा भी y अक्ष के समांतर होगी? यह तो काफी आसान है। आप प्रश्न का जवाब देने के लिए वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। इन सभी बिंदुओं को ध्यान से देखें तो इनमें y के निर्देशांक 6 स्थिर हैं और x के निर्देशांक बदल रहे हैं, यानी यह सभी बिंदु n, y के रूप में हैं, जहां n कोई भी वास्तविक संख्या है और y 6 है। इन बिंदुओं से बनने वाली रेखा x अक्ष के समांतर है, न कि y अक्ष के समांतर। और यह रेखा आलेख कागज पर कुछ इस प्रकार दिखेगी। दिए गए बिंदुओं से मिलने वाली रेखा किस अक्ष के समांतर है? इस प्रश्न का जवाब सोचने के लिए आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। इन बिंदुओं को देखते ही यह जान सकते हैं कि यहाँ x और y दोनों के निर्देशांक बदल रहे हैं, यानी मिलने वाली रेखा किसी भी अक्ष के समांतर नहीं होगी। लेते हैं अगला प्रश्न। दिए गए आलेख को देखकर उस पर बनी हुई रेखा का समीकरण बताइए। आलेख में हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है रेखा AB x अक्ष के समांतर है। यहाँ केवल x के निर्देशांक बदल रहे हैं और रेखा y अक्ष को बिंदु 0-2 पर प्रतिच्छेदित कर रही है, इसलिए रेखा AB का समीकरण y बराबर 2 है। दोस्तों, आज के सत्र में बस इतना ही। आज के सत्र में हमने x अक्ष और y अक्ष के समांतर रेखाओं से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा की। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।